दोस्तों, क्या आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि इन्वेस्ट कैसे करना है या फिर कहां से करना है, कहां पे इतने सारे क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल मिलेंगी? वेल, ऐसे प्लेटफॉर्म्स को कहते हैं क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं टॉप 5 इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में, जहां पे आप रुपीज में ही क्रिप्टो करेंसी खरीद पाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है इंडिया का, द मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, वजीरएक्स। दोस्तों, वजीरएक्स उन गिने चुने क्रिप्टो एक्सचेंज में है जिनमें आप इंडियन रुपीस से क्रिप्टोस को खरीद सकते हो। इवन बिटकॉइन को भी आप क्रिप्टो खरीदने के लिए यूज कर सकते हो और डॉलर से भी खरीद सकते हो। वही बात करें वजीरएक्स की सिक्योरिटी की, तो वजीरएक्स काफी ज्यादा सिक्योर है किसी भी अन्य ऐप के मुकाबले। क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए आपको KYC करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो सिर्फ एक ईमेल वेरिफिकेशन के साथ। लेकिन हाँ, विड्रॉ के लिए आपको KYC करवानी पड़ेगी, यानी कि अगर आप विड्रॉवल करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको KYC पहले करवाना पड़ेगा। जिनको KYC के बारे में नहीं पता, उनके लिए KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर। इनके मदद से कंपनीज अपने कस्टमर के बारे में डेटाज रखती है, एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ट्रांसपेरेंसी के लिए। दोस्तों, बात करते हैं वजीरएक्स के ट्रांजेक्शन चार्ज की, क्योंकि चार्जेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वजीरएक्स का ट्रांजेक्शन चार्ज है 0.2% का, टेकर और बायर को इन दोनों को ही 0.2% पे करना पड़ता है वजीरएक्स को। वह इस प्लेटफॉर्म पे आप एकदम मिनिमम अमाउंट 100 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपीज आपको मिनिमम इसमें डालना होगा, 100 रुपीज से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वही पे इस पे फंड्स ऐड करने के लिए निफ्ट, RTGS, IMPS और UPI का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज याद रखो कि UPI छोड़ के आप कोई भी मेथड का यूज करोगे तो वहाँ पे 5.9 रुपीज पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। और एट द एंड वजीरएक्स आपको एंड्रॉइड प्ले स्टोर और iOS एप स्टोर पे मिल जाएगा। दूसरा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है यूनिकॉइन। यूनिकॉइन भी वजीरएक्स की तरह काफी ज्यादा सेफ है, काफी ज्यादा पॉपुलर है और इसके प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा यूजर्स हैं। और यूनिकॉन पे ट्रेडिंग करने के लिए आपको KYC करवाना पड़ता है, वही यूनिकॉन के चार्जेस भी थोड़े अलग है। यूनिकॉन बायर और सेलर पे 0.7% का चार्ज अप्लाई करता है, ये चार्ज दोनों को ही देना पड़ेगा जो खरीद रहा है या जो बेच रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये रेट खाली फर्स्ट 60 डेज के लिए है, जैसे ही आप फर्स्ट 60 डेज के टाइम पीरियड को क्रॉस करते हो ये रेट ऑटोमेटिक कम हो गए 0.5% पे आ जाता है और इनके गोल्ड मेंबरशिप का भी आप हिस्सा बन जाते हो। दोस्तों, और बात करें मिनिमम अमाउंट की, तो यूनिकॉर्न पे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट 1000 है, 1000 से नीचे आप ट्रेड नहीं कर सकते। मिनिमम 1000 रुपीज आप ऐड करो, उसके बाद आप ट्रेड कर पाओगे। और ऐड करने का तरीका वही सिंपल है, वही चार मेथड्स है जिनके थ्रू आप अपने बैंक से यूनिकॉर्न में फंड्स ऐड कर सकते हो, निफ्ट, RTGS, IMPS एंड UPI। वेल, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लग रहा होगा, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वेल, अगला जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है हमारे पास, वो है CoinDCX। CoinDCX पे तकरीबन 200 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज लिस्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज मिलती है, अलग अलग तरह के क्रिप्टो करेंसीज आप यहाँ पे खरीद सकते हो। और इस पे लॉगिन करना भी बड़ा सिंपल है, ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो। जहां तक बात रही चार्जेस की, तो CoinDCX में चार्जेस काफी कम है, 0.1% बायर और टेकर पे दोनों पे ही 0.1% चार्ज इंप्लाई होता है। आपको अगर ध्यान हो तो ये चार्ज वजीरएक्स और यूनिकॉइन दोनों से कम है। वही बात करें मिनिमम विड्रॉवल की, तो मिनिमम विड्रॉवल है 1000 रुपीज का। यहाँ पे भी आप फंड्स चार तरीके से ऐड कर सकते हो और मजेदार चीज ये कि इसमें फंड ऐड करने का कोई चार्ज नहीं लगता। अगला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है ZipPay। ZipPay आज से नहीं, काफी पहले से मार्केट में है और इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म कहा जाता है और ये सिक्योर भी है। दोस्तों, ZipPay की अगर हम बात करें तो ZipPay में मिनिमम डिपॉजिट है 100 रुपीज UPI के केस में और अदर मेथड्स के लिए 1000 रुपीज कंपल्सरी है मिनिमम डिपॉजिट। वही अगर चार्जेस की बात करें तो ZipPay चार्जेस के मामले में काफी ज्यादा अलग है, इसके अलग अलग स्लैब में अलग अलग चार्जेस है, एक एक करके बता देता हूँ क्या क्या है। दोस्तों, ZipPay का एक मेंबरशिप फी है 0.0001 बिटकॉइन पर मंथ का, ये फी आपको बेयर करना पड़ेगा। वहीं पे ट्रांजेक्शन के लिहाज से यहाँ जो चार्जेस लगते हैं वो दो अलग अलग चार्जेस लगते हैं। मेकर पे लगाया जाता है 0.15% का चार्ज और वहीं पे जो बायर है उस पे लगाया जाता है 0.25% का चार्ज। और यहाँ एक और बात है कि क्रिप्टो करेंसी
करेंसी को एक ही दिन में खरीदा और बेचा गया तो उस केस में 0.10% का चार्ज भी लगेगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज, अगर आप क्रिप्टो में ही डिपॉजिट करते हो जीपे पे तो आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हो डिपॉजिट करने के लिए, पैसे डिपॉजिट करते हो जीपे पे, उसमें आप पे 15 रुपए का चार्ज लगाया जाएगा। और अगर कोई दूसरा मेथड यूज करते हो फंड्स ऐड करने के लिए, उस केस में 1.77% का चार्ज लगाया जाएगा। और एक बात अंत में, अगर आप इससे पैसे निकालना चाहते हो तो यहाँ पे भी चार्ज है, 10 रुपए का पर विड्रॉवल चार्ज फीस लगाया गया है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जीपे को काफी लोग यूज करते हैं आज की तारीख में मार्केट में, जबकि अदर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। उनमें से 3 के बारे में तो हमने इसी वीडियो में बात की है। 5वां है कॉइन स्विच क्यूबर। इसको आपने काफी ज्यादा देखा होगा, हाल ही के दिनों में कॉइन स्विच क्यूबर ने काफी ज्यादा अग्रेसिवली डिजिटल एड्स पुश किए थे, तो आपने कभी ना कभी इसके एड्स देखे होंगे। प्रोबेबली हो सकता है आपने मेरे वीडियोस पे एड्स देख लिए होंगे कई बार, क्योंकि कॉइन स्विच हाल ही के दिनों में काफी ज्यादा अग्रेसिवली एड्स पुश कर रहा है। दोस्तों बात करें इस प्लेटफॉर्म की, तो इस प्लेटफॉर्म पे 100 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है जिसको आप बाय सेल कर सकते हो। और सिक्योरिटी के लिहाज से यहाँ पे KYC मैंडेटरी है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप छोटे से छोटा भी ट्रेडिंग करना चाहते हो, सबसे पहले KYC आपको करवानी पड़ेगी। वहीं दोस्तों बात करें चार्जेस की, चार्जेस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सचेंज के केस में। कॉइन स्विच पे बेसिकली फर्स्ट 100 डेज के लिए कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ता। इसमें फंड्स ऐड करने के 3 तरीके हैं, एक निफ्ट है, एक बैंक ट्रांसफर है, दूसरा UPI है। इन 3 के मदद से आप अपना रुपीज, इंडियन रुपीज, इसमें ट्रांसफर कर सकते हो और फिर यहां से आसानी से क्रिप्टो परचेस कर सकते हो। विल कॉइन स्विच हमारे सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में सबसे अच्छा आपको दिख रहा होगा, क्योंकि इस पे चार्जेस नहीं है, साइड सी बात है। फंड्स ऐड करने के भी सिंपल तरीका है, यूजर इंटरफेस बहुत ही सिंपल है, KYC होता है तो आपको एक फेथ रहता है कि नहीं चलो अकाउंट सेफ है। लेकिन सिक्योरिटी के मामले में, क्योंकि डिजिटल एसेट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के मामले में कॉइन स्विच ने बहुत ही ज्यादा विस्तार से कुछ कहा नहीं है, तो इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। सिक्योरिटी के मामले में 2 ऐप सबसे ज्यादा सिक्योर है आज के तारीख में और जिन पे सबसे ज्यादा भरोसा लोग करते भी है, एक है VZ-X और दूसरा है यूनिकॉइन। पर पर्सनली मुझे VZ-X ज्यादा सिक्योर लगता है। सो गाइस, ये थी पूरी डिटेल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, नए हो चैनल पे नीचे लाल रंग का बटन दिख रहा होगा दबा दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।